नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे, चेक करेंगे ब्लू पंप की तरफ से आने वाली दोस्तों ये मिनी साउंड बार। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाता है साउंड बार का। एंड देखिए, यहाँ पे आपको 1200 mAh की बैटरी मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है, ट्रू वायरलेस मोड आपको इस मिनी साउंड बार में मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB स्लॉट भी मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट मिल जाता है एंड माइक्रोएसडी कार्ड भी इसमें आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए, ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे बॉक्स में अगर हम प्राइसिंग देखें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बॉक्स में 2500 प्राइसिंग दे रखी है। बट दोस्तों, मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी एंड दोस्तों स्पेशल ऑफर में ये साउंड बार मुझे 500 में मिल गई थी अमेजोन से। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं साउंड बार को, देखते हैं कैसी साउंड बार है, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है साउंड बार की। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ साउंड बार आपको देखने को मिल जाती है। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाती है, ये इंग्लिश में है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक ब्रोशर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ब्लू पेंट के काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक माइक्रोएसबी केबल देखने को मिल जाती है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको एक ऑक्स केबल मिल जाती है साउंड बार के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप फाइनली आपको ऐसी कुछ साउंड बार देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सेंटर में ब्लू पेंट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, ये देखिए। एंड यहाँ पे अंदर की तरफ आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो देखिए दोस्तों, आपको ऊपर की तरफ ऐसा कुछ कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक मोड वाला बटन दे रखा है, प्लस माइनस के लिए बटन दे रखे हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए, आपको प्ले पॉज के लिए एक बटन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे होल्स मिल जाते हैं LED इंडिकेशन के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी दोस्तों आपको यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिल जाती है, ये देखिए। एंड दोस्तों, बैक साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, आपको ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB स्लॉट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको माइक्रोएसडी कार्ड के लिए एक स्लॉट मिल जाता है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक माइक्रोएसडी स्लॉट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पे पूरी की पूरी मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। एंड नीचे से अगर आप देखोगे तो देखिए, ऐसी कुछ साउंड बार है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी साउंड बार की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, एकदम प्रीमियम लेवल की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दे रखी है, कहीं से भी ये लो क्वालिटी की साउंड बार नहीं लग रही है। तो चलिए दोस्तों, इसे पावर ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ आपको ब्लू LED इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, इसका मतलब ये जो साउंड बार है पेयरिंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए इसे फ़ोन से पेयर कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपने फ़ोन के ब्लूटूथ में सर्च करना है एंड देखिए ऐसा शो करेगा BPSBA10। तो जस्ट आपने इसको सेलेक्ट करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये साउंड बार अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है एंड ये 50% चार्ज है। तो चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, कुछ नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं। बाहर बन के आओ तुम्हें
तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस साउंड बार में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है एंड वोकल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। एंड यहाँ पे इसकी जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो साउंड बार में बेस की क्वालिटी थी वो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो यहाँ पे बेस काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है साउंड बार में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बैक साइड यहाँ पे देखिए ऑक्स पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस ऑक्स पोर्ट को आप यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ पे आप ऑक्स केबल के साथ इसे यूज़ कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए अपने स्मार्टफोन के साथ, लैपटॉप के साथ, स्मार्ट टीवी के साथ, नॉर्मल एलईडी टीवी में भी आप इस साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप दोस्तों इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो साउंड बार को इस ऑक्स पोर्ट को यूज़ करके। तो दोस्तों इस साउंड बार मुझे काफ़ी पसंद आई है दोस्तों, डेफिनेटली आप इस साउंड बार को परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है साउंड बार में एंड यहाँ पे आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है साउंड बार में। एंड यहाँ पे दोस्तों आप मोड बटन को यूज़ करके इसे डिफरेंट मोड्स में यूज़ कर सकते हो, जैसे आप दोस्तों USB मोड यूज़ कर सकते हो, ऑक्स मोड यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें FM मोड भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें microSD कार्ड वाला जो मोड है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये मोड वाला बटन प्रेस करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप इसे कॉलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो अगर आपने इसे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो आप देखिए डायरेक्टली कॉल रिसीव कर सकते हो एंड डायरेक्टली दोस्तों आप इस मिनी साउंड बार के थ्रू कॉलिंग में बात भी कर सकते हो। तो दोस्तों डेफिनेटली आप इस साउंड बार को परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मैंने दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।